नमस्कार प्यारे बच्चों कैसे हो आप सभी राम प्रसाद राम राम मेरे भाई लोकेश कुमार जय श्री राम मेरे भाई कविता राविस लोकेश कुमार एसएससी लक्ष्मीराज लक्ष्मी राज गुड मॉर्निंग मेरे भाई आप सभी का वेलकम है कल अपनी क्लास हो नहीं पाई थी कल मेरे थोड़ी सी गले में प्रॉब्लम थी भाई और उसकी वजह से मैंने कोई भी क्लास कल नहीं की थी राखी सैनी गुड मॉर्निंग मेरे भाई और एक बार है ना आप मुझे बता साउंड वगैरह एकदम से प्रॉपर है क्या और उसके बाद है ना वर्क एंड वेजेस के हमने पिछली क्लास में कल हमारी क्लास हो नहीं पाई थी किसी वजह से मुझे थोड़ी सी दिक्कत थी भाई तो इसीलिए मैंने क्लास स्किप कर दी थी तो आप है ना सारे बच्चे मुझे एक बार ये बता दीजिए लास्ट क्लासेज आपने देख ली थी क्या उसके अंदर मैंने आपको यह समझाया था जो मजदूरी होती है वो प्यारे बच्चों में सा किसके बदले में दी जाती है काम के बदले में ना कि अक्षमता के बदले में लेकिन फिर है ना कुछ स्पेशल कंडीशंस होती है बेटा वो स्पेशल कंडीशंस क्या होती है जब भी स्पेशल कंडीशंस क्या होती है जब भी ठीक है भाई ठीक है है क्लियर तो जब भी जो वर्कर्स होते मजदूर होते वो मिलके काम करते हैं मिलके काम करने का मतलब क्या हो गया शुरुआत सभी ने एक साथ की और काम को खत्म सभी ने एक साथ किया तो टाइम जो है वो सबका क्या हो जाता बराबर हो जाता अगर बेटा समय सबका बराबर हो गया तो आप मुझे बताइए काम का अनुपात वही होगा जो अनुपात एफिशिएंसी का होता है जिसकी एफिशिएंसी ज्यादा होगी वो ज्यादा काम करके जाएगा जिसकी एफिशिएंसी कम होगी वो कम काम करके जाएगा ये सारी चीजें मैं पिछली क्लास के अंदर आप लोगों को पढ़ा चुका था भाई तो आप मुझे बताइए काम अगर आपका बराबर हो गया काम आपका एफिशिएंसी के रेशियो में आ गया तो मजदूरी किसके हिसाब से मिलती काम के हिसाब से और जो काम है वो किस पे डिपेंड कर रहा है एफिशिएंसी पे मैंने आपको ये बताया था जब भी पार्टनर मिलके काम करते हैं जब भी वर्कर मिलके काम करते तो मजदूरी हमेशा एफिशिएंसी के अनुपात में बांटी जाती है ये सारी चीजें मैं लास्ट क्लास में आपको पढ़ा चुका था तो भाई आज की क्लास शुरुआत शुरू करते हैं तो किसी भी बच्चे को हमसे पेड पढ़ दाऊ तो ये हमारी ऐप का लिंक है आप यहां पे जा सकते हो आप हमसे कॉन्टेक्ट भी कर सकते हो आपको ये सारे कोर्सेज वहां पे अवेलेबल हो जाएंगे तो आज है दोस्तों आज की क्लास का पहला सवाल आज की क्लास का पहला सवाल ये रहा देखिए दोस्तों आज मैं आपको अच्छे सवाल करवाऊंगा और आपको करके मजा आ जाएगा तो सवाल कैसे होगा प्यारे बच्चों पढ़ने से आइए पढ़ते हैं क्या कह रहा है समीर एंड पुनीत कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन टेन डेज एंड फिफ्टीन डेज आपके पास दो लोग थे बेटा एक का नाम था समीर और दूसरे का नाम था प्यारे बच्चों पुनीत ये दो लोग थे आपके पास और इन दो लोगों की क्या खास बात थी जो समीर है वो पूरा काम प्यारे बच्चों कितने दिन में कर सकता है दस दिन में और जो आपका पुनीत है वो पूरा काम प्यारे बच्चों कितने दिन में कर सकता है पंद्रह दिन के अंदर पूरा काम कर सकता है तो आप मुझे बताइए दस और पंद्रह का जो एलसीएम है वो प्यारे बच्चों कितना आ गया साठ आ गया या तीस तीस मान लो साठ मानना कोई जरूरी नहीं आप तीस मान लो तो टोटल काम हमने कितना मान लिया तीस मान लिया समीर दस दिन में अगर तीस करेगा तो प्रतिदिन कितना काम करेगा तीन काम करेगा पंद्रह दिन में अगर कोई तीस काम करेगा तो आप मुझे बताइए प्रतिदिन कितना काम करेगा दो काम करेगा ये हमारे पास उनकी एफिशिएंसी आ गई ये हमारी उनकी आ आगी काजल जोशी भी आ गई है भाई स्वागत है बेटे आपका आगे पढ़ते हम ग्रीन के साथ पढ़ते हैं। क्या कह रहा देखिए द वाज सौ रुपए जो काम है बेटा काम के बदले में कितने पैसे दिए जाएंगे काम के बदले में पैंतालीस रुपए दिए जाएंगे आपसे ये कह रही काम करवाने वाली पार्टी आप हमारा तीस काम कर दीजिए और तीस काम के बदले में हम आपको कितना पैसा दे देंगे पैंतालीस सौ रुपए दे देंगे आप हमारा तीस काम कर दीजिए तीस काम करने के बदले में हम आपको कितना पैसा दे देंगे पैंतालीस दे देंगे तो ये बताओ बेटा 30 काम करने से अगर पैंतालीस सौ रुपये मिल रहा है तो एक काम करने से प्यारे बच्चों कितने रुपए मिलेंगे आप बोलोगे सर डेढ़ सौ SO रुपये मिलेगा तीस काम करने के कोई अगर आपको पैंतालीस सौ रुपए दे रहा है तो एक काम करने के कितने रुपए मिलेंगे ढाई सौ रुपये मिलेंगे सॉरी ढाई सौ नहीं डेढ़ सौ रुपये मिलेंगे आगे बढ़ते क्या कह रहे हैं आफ्टर वर्किंग टूगेदर फॉर थ्री डेज तीन दिन तो मेरे प्यारे बच्चों उन्होंने क्या किया सात काम किया समीर और पुनीत ने Uh, क्या कह रहा है आफ्टर वर्किंग थ्री डे आफ्टर वर्किंग together फॉर थ्री days, समीर एंड पुनीत involved अशोक बेटा तीन दिन काम करने के बाद तीन दिन काम करने के बाद इन्होंने किसको बुला लिया अपने साथ अशोक को बुला लिया तीन दिन तो दोनों ने काम किया है तो सारे बच्चे एक बार मुझे ये बताएं भाई तीन दिन के अंदर तीन दिन के अंदर जो सुमित समीर और जो पुनीत है वो तीन दिन के अंदर कितना काम निपटा देंगे आप बोलोगे सर देखिए तीन काम ये करेगा दो काम ये करेगा प्रतिदिन पांच काम होगा तो मेरे प्यारे बच्चों आप मुझे बताओ ये तीन दिन के अंदर कितना काम निपटा देंगे पंद्रह काम तो बचा काम भी क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों पंद्रह होगा पंद्रह काम बचा हुआ है और फिर उस पंद्रह काम के लिए मेरे प्यारे बच्चों किस बुला लिया अशोक को बुला लिया और फिर क्या कह रहा है द वाज द वाज कंप्लीटेड इन टोटल फाइव डेज और जो पूरा काम है बेटा वो कितने दिन में खत्म हुआ है पांच दिन में खत्म हुआ है तो आपसे पूछा जा रहा है वर्ट अमांट, वर्ट अमांट वाज पेड टू अशोक अशोक को है ना कितना धन दिया गया तो अगर हम सवाल पूरा पढ़ते तो हमें तीन दिन का भी निकालने की जरूरत नहीं थी आप मुझे एक बात बताइए आप सारे बच्चे मुझे एक बात बताओ इस तीन को यहां से हटाते हैं एक मिनट रुकिएगा इस तीन को यहां से हटाते हैं मैं आपसे ये कह रहा हूं प्यारे बच्चों एक बार मेरी बात सुनिएगा पुनीत और अशोक पुनीत और समीर ने काम की शुरुआत की और तीन दिन तक काम किया तीन दिन काम करने के बाद इनके साथ में कौन आ गया इनके साथ में प्यारे बच्चों अशोक आ गया और जो पूरा काम है वो कितने दिन में खत्म हुआ पांच दिन में खत्म हुआ तो आप सभी बच्चे समझदार हैं. आप मुझे बताइए इस काम के ऊपर समीर ने और पुनीत ने कितने दिन काम किया आप बोलोगे सर पांच दिन काम किया है तो मेरे प्यारे बच्चों एक बार आप मुझे बताओ ये जो है ये जो है एक सेकेंड भाई ये जो समीर और जो पुनीत है ये पांच दिन के अंदर है ना बेटा कितना काम कर देंगे आप बोलोगे सर एक दिन में करते पांच काम तो ये कितना काम कर देंगे पच्चीस काम तो तीस काम में से जो पच्चीस काम है वो बेटे किसने किया समीर ने और पुनीत ने किया तो आप मुझे बताइए जो अशोक ने काम किया है जो आपने अशोक ने काम किया है तो आप मुझे बताओ अशोक ने कितना काम किया आप बोलोगे सर पांच काम किया है और सारे बच्चे मुझे ये बताइए एक काम के बदले में कितना पैसा दिया जा रहा है एक काम के बदले में डेढ़ सौ दिया जा रहा है तो आप मुझे बताइए भाई पांच काम के बदले कितना दिया जाएगा तो डेढ़ सौ से हम मल्टीप्लाई कर देंगे आंसर जो है वो बेटा कितना आ जाएगा साढ़े सात सौ रुपए आ जाएगा एकदम से आसान सवाल था और आया हुआ सवाल था भाई एकदम से आसान सवाल था आया हुआ सवाल था लोकेश राहुल का आंसर सॉरी लोकेश राहुल का नहीं भाई ए, क्या कहते हैं लोकेश कुमार का आंसर आ गया था और कविता राविस का भी आ गया था काजल जोशी जय भोलेनाथ मेरे भाई संजना पुष्प जय श्री कृष्णा मेरे भाई बताइए क्या आगे बढ़ू क्या अगर समझ आया है तो वाई टाइप करिए बहुत बढ़िया बहुत प्यारे बच्चे आया हुआ सवाल था प्यारे बच्चों तो एक बार सवाल जब हमने पूरा पढ़ा हमें समझ आ गया था पांच दिन काम चला है और पांचों के पांचों दिन इन्होंने काम किया है तो किसी भी बच्चे को डाउट हो तो एंड डाल देना अब मैं बढ़ता हूं अगले सवाल के ऊपर अगला सवाल प्यारे बच्चों ये रहा देखिए भाई क्या कह रहा है आराम से टीका के पढ़ना आज की क्लास में शानदार सवाल रहने वाले हैं और सवाल कैसे होंगे बेटा पढ़ने से पैनिक नहीं होना आदित्य रवि एंड गुडू कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन टेन ट्वेल्व एंड फिफ्टीन डेज रिस्पेक्टिवली बेटे तीन लोग हैं एक तो कौन है आदित्य दूसरा है मेरे प्यारे बच्चों रवि और फिर है मेरे प्यारे बच्चों गुड्डू ये तीन लोग हैं मेरे प्यारे बच्चों और ये क्या करते हैं आदित्य अकेले किसी काम को दस दिन में निपटा सकता है बेटा उसके बाद कौन है है रवि इसी काम को दिन में निपटा सकता है। और मेरे प्यारे बच्चों ये बताओ जो गुड्डू है वो इस काम को कितने दिन में निपटा सकता है पंद्रह दिन में निपटा सकता है तो आप मुझे बताओ ये सारे के सारे नंबर किससे खुश होंगे आप बोलोगे सर साठ से तो आप मुझे बताइए दस दिन में साठ करेगा तो प्रतिदिन प्यारे बच्चों छह करेगा बारह दिन में साठ करेगा प्रति दिन में पांच काम करेगा पंद्रह दिन में साठ काम करेगा प्रतिदिन कितना काम करेगा चार काम करेगा ये हमारे पास इनकी क्या आ गई तनाव मत लेना समझने का सवाल है मजा आएगा भाई ऐसे सवालों को करके वो एक बार हमसे पूछ क्या रहा है एक बार पढ़ो तो सही बहुत मजेदार सवाल है ये आपसे कह रहा है देखिए अब मैं कलर चेंज कर लेता हूं और जो बच्चा मेरी बात को ध्यान से नहीं सुनेगा ना उसको तो भाई फिर तकलीफ होगी लेकिन जो भी ध्यान से सुन गया उसको कोई तकलीफ होगी नहीं सारी चीजें सवाल खुद ही बताएगा क्या करना है हाउ मच मिनिमम टाइम शुड वी रिक्वायर्ड शुड बी आएगा मेरे ख्याल से पता नहीं भी आएगा शुड बी रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द वर्क बेटा देखो एक बार सारा पढ़ोगे दिक्कत होगी थोड़ा थोड़ा कैमरे में कट रहा है क्या कट रहा है भाई कैमरे में एक सेकंड सवाल कट रहा है क्या एक सेकंड दस बारह चलिए मैं थोड़ा सा इसको इधर कर देता हूं भाई अगर ऐसी समस्या है आज अमन सर यहां पे है नहीं मैं इसको थोड़ा सा इधर कर देता हूं ये लो भाई ये लो मैंने इसको थोड़ा सा इधर कर दिया ठीक है ये लीजिए इसको थोड़ा सा मैंने अरे भाई चल पड़ना देखिए अब मैंने इसको थोड़ा सा इधर कर दिया अब आपको दिखाई दे रहा होगा ध्यान से सुनना भाई क्या कह रहा था हर हर बात का मीनिंग समझाऊंगा अगर समझाने का मौका दोगे तो अगर फिर बेवजह कमेंट करने करते रहिए मेरा कुछ नहीं जाता भाई ये कह रहा था तीन लोग है आपके पास फील करिए चीजों को तीन लोग है आपके पास आदित्य है रवि है और गुड्डू है ये दस दिन में ये बारह दिन में और ये पंद्रह दिन में पूरा काम कर सकते हैं अकेले अकेले और पूरा काम कितना मान लिया साठ और ये इनकी एफिशिएंसी आ गई अब मैं आपसे ये कह रहा हूं मुझे काम कम से कम समय में चाहिए फील करो चीजों को मुझे काम कम से कम समय में चाहिए तो कम से कम समय का बेटा क्या मीनिंग हो गया आप बोलोगे सर अगर आपको कम से कम समय में चाहिए ना तो तीनों लोगों को एक साथ लगा दीजिए क्या कर दीजिए तीनों लोगों को एक साथ लगा दीजिए छह और चार दस दस और पांच कितना हो गया पंद्रह प्रतिदिन पंद्रह काम आपका हो जाएगा तो पंद्रह को पंद्रह से अगर साठ को भाग करेंगे तो आप बोलोगे सर हमारे पास चार आ जाएगा सर इस सवाल के अंदर चार दिन से कम में काम नहीं हो सकता अगर आपको काम कम से कम समय में करवाना है तो कितने लोगों को एक साथ ले आइए तीनों को एक साथ ले आइए और वो चार दिन में कम से कम समय में आपका काम पूरा कर देंगे अब इसने आगे कुछ और कंडीशंस लगाई होगी तो एक बार उनको पढ़ लेते देखो क्या कह रहा है आइए दोस्तों इफ मोर देन टू पर्सन मोर देन टू पर्सन कांट वर्क इन ए डे यहां तक पढ़ा है यहां तक पढ़ा है जो बच्चा बाद में बोलेगा एंड मैं उसका बिल्कुल रिप्लाई नहीं करूंगा मैं हर लाइन के ऊपर टीका टीका के मेहनत कर रहा हूं ध्यान से सुनना फिर दूसरी कंडीशन ये लगा दी यहां तक पढ़ेंगे सिर्फ भाई दो लोगों से ज्यादा दो लोगों से ज्यादा कोई भी लोग एक साथ काम नहीं कर सकते आप तीन को नहीं बुला सकते एक दिन में आप सिर्फ कितने को बुला सकते हो दो को बुला सकते हो यहां तक ये कह रहा था आप सारे बच्चे मुझे बताओ अगर दो को बुलाना है तो ये बताइए सबसे ज्यादा काम तो कौन करता है आदित्य करता है भाई आदित्य और क्या है जल्दी बताओ आदित्य रवि को अगर मैं बुलाऊंगा तो ये बताओ आदित्य रवि तो बेटा एक दिन में कितना काम कर देंगे ग्यारह काम कर देंगे अगर मैं रवि और गुड्डू की बात करूं बेटे अगर मैं रवि और गुड्डू की बात करूं तो रवि और गुड्डू कितना काम कर देंगे नौ काम कर देंगे और अगर मैं आदित्य और आदित्य और मैं गुड्डू की बात करूं तो आप मुझे बताओ छह और चार कितना हो गया बोलो भाई दस काम कर देंगे छ और चार क्या हो गया दस काम कर देंगे तो यहां से मुझे पता चला कौन सा पेयर अगर मुझे दो को ही बुलाना है और काम मुझे कम से कम समय में पूरा करवाना है तो मैं तो है ना भाई आदित्य और रवि को लगा दूंगा और गुड्डू को कह दूंगा भाई गुड्डू तू चला जा मुझे तो तेरी कोई जरूरत नहीं मैं तो सारा काम आदित्य और रवि से करवाऊंगा प्रतिदिन मेरा काम होगा ग्यारह तो साठ काम कितने दिन में होगा ग्यारह से डिवाइड कर दूंगा पांच सही पांच बटे ग्यारह मेरा आंसर हो जाएगा लेकिन इसने और कंडीशंस लगा दी और कंडीशन पढ़ लेते हैं आइए मेरे भाई ध्यान से हर बात का अर्थ समझाता हुआ चल रहा हूं मैं आपको। day, दो दिन। दो दिन, क्या नहीं हो सकता एंड ऑन टू कंसिकेटिव डे सेम पेयर कांट डू द वर्क भाई लगातार दो दिन एक ही जोड़ा काम नहीं कर सकता जोड़े को आपको क्या करना पड़ेगा बदलना पड़ेगा एक ही जोड़े से लगातार दो दिन काम नहीं करवा सकते तो आप मुझे बताइए आप मुझे बताइए बेटे आप मुझे बताइए एक जोड़े से लगातार दो दिन काम नहीं करवा सकते तो आप मुझे बताओ आपको जोड़ा तो बदलना पड़ेगा और काम क्या करवाना है कम से कम करवाना है तो यह बताओ यार मैं पहले दिन तो इसको ले आऊं और दूसरे दिन आदित्य और गुड्डू को ले आऊं तो आप मुझे बताओ जोड़ा भी बदल गया पहले दिन तो जोड़ा किसका था आप सभी बच्चे मुझे बताइए पहले दिन तो जोड़ा किसका था आदित्य और रवि का अगले दिन जोड़ा बना दिया किसका आदित्य और गुड्डू का तो ये बताओ सेम जोड़ा है या अलग जोड़ा है आप बोलोगे सर अलग जोड़ा है क्योंकि पहले दिन आदित्य रवि थे दूसरे दिन आदित्य गुड्डू थे कई बच्चे बोलेंगे कि सर आपने रवि और गुड्डू को क्यों नहीं लिया मेरे भाई भूल गए क्या काम क्या करना कम से कम समय में करना है और ये तो ज्यादा लेंगे हमें क्या चाहिए जो ज्यादा काम करे ज्यादा काम करने वाला जोड़ा कौन सा है सबसे पहले आदित्य और रवि है आदित्य और रवि को रख नहीं सकते उसने बोला दो दिन में लगातार सेम जोड़ा दो दिन में काम नहीं कर सकता एक दिन काम करने के बाद जोड़ा भी चेंज करना है तो जोड़ा चेंज आदित्य तो सबसे ज्यादा काम कर रहा था आदित्य तो पूरा काम करेगा बट क्या कर दे एक दिन आदित्य के साथ रवि को लगा देंगे और एक दिन आदित्य के साथ किसको लगा देंगे गुड्डू को लगा देंगे जोड़ा भी चेंज हो गया और ज्यादा से ज्यादा काम करने वाले भी आ गए तो यहां तक एक बार आप मुझे वाई टाइप करके बता दीजिए दो दिन दो दिन हम किसको बुलाएंगे बेटा दो दिन दो दिन हम इन जोड़ों को बुलाएंगे और आप मुझे एक चीज और बताइए पहले दिन आदित्य और रवि को बुलाऊं या आदित्य और गुड्डू को बुलाऊं आपका जवाब होगा सर आदित्य और रवि को बुलाइए क्यों बुलाइए आदित्य और रवि को सर काम कम समय में खत्म करवाना है तो सबसे पहले उसको बुलाइए जो ज्यादा काम निपटाए कम वाले का क्या करोगे तो पहले इसको बुलाऊंगा और दो दिन के अंदर आप मुझे बताइए आपका कितना काम खत्म हो जाएगा इक्कीस काम खत्म हो जाएगा दो दिन में कितना काम हो जाएगा इक्कीस काम हो जाएगा बहुत बढ़िया भाई सभी के वाई वाई आ रहे हैं बहुत बढ़िया बेटे लाइव क्लास का लिंक डाल तो दिया जाता है भाई एबीसीडी डाल दिया जाता है मैं करता हूं बेटा एक बार मुझे एक सवाल कंप्लीट करवाने दीजिए और प्लीज उससे पहले है ना कोई एक्स्ट्रा कमेंट मत करना एक बार समझना खूबसूरत सवाल है आपका दिमाग खुलेगा इस सवाल से टोटल काम कितना था बेटा साठ था और भाई पिछली टाइम एंड वर्क के अंदर मैं बता चुका हूं ऐसी चीजों को कैसे टैकल करना है तो मैंने आपको बताया था भाई 21 का मल्टीपल 21 से भाग होने वाला नंबर और जो 60 से क्या हो छोटा हो क्योंकि ये तो डायरेक्ट तो डिवाइड होता नहीं तो 21 दूनी कितना हो गया 42 हो गया 42 तक चलते तो आप मुझे बताइए बेटा ये कितने गुना हो गया दो गुना हो गया अगर आप ये दो गुना हो गया तो ये बताओ इधर जो समय है वो भी कितना हो जाएगा दो गुना हो जाएगा जब आप समय को दो गुना करोगे तो आप मुझे बताओ चार दिन में चार दिन में कितना काम कंप्लीट हो चुका होगा बोलोगे बयालीस काम कंप्लीट हो चुका होगा और जब साइकिल कंप्लीट होता है पहले दिन ये दूसरे दिन ये तीसरे दिन ये चौथे दिन ये पांचवे दिन ये पांचवे दिन ये आएगा तो आप मुझे बताओ जब फिफ्थ डे ये आएगा तो कितना काम निपटा देगा ग्यारह काम और ग्यारह काम अगर ये निपटा देगा तो आप मुझे बताइए ये जोड़ा अगर ग्यारह काम निपटा देगा तो बचा कितना काम आप बोलोगे सर सात काम बचा तो सात काम के लिए इस सात काम के लिए बेटा बारी किसकी आएगी आप बोलोगे सर इस सात काम के लिए जो बारी आएगी वो आएगी आदित्य और गुड्डू की क्योंकि दिन कौन सा आया हुआ छठा दिन आया हुआ छठे दिन तो इसकी बारी आएगी और ये कितना काम कर सकते हैं पूरे दिन में दस काम लेकिन दस काम में से हमें कितना काम करवाना है सात काम करवाना है तो आप मुझे बताइए जो दिन लगेगा वो भी क्या लगेगा बोलो भाई सात बटे दस दिन लगेंगे तो आप बोलोगे सर जो पूरा काम खत्म हुआ है ध्यान से सुनना जो पूरा काम खत्म हुआ है वो हुआ है हमारा छह सही सात बटे दस दिन में कितने दिन में खत्म हुआ जल्दी बताओ छह सही सात बटे दस दिन में पूरा काम खत्म हुआ है और उसके बाद एक बार प्यारे बच्चों मुझे ये बात समझाइए मैं पेन चलाता हूं अब की बार रेड आपसे पूछा क्या है? ये बताइए इफ दे रिसीव सिक्स हंड्रेड रुपीज एज टोटल अमाउंट अगर उनको छह सौ रुपए मिले हो तो आप सारे बच्चे मुझे यह बताइए छह सौ रुपए उनको छह सौ रुपये उनको किस चीज के मिले हैं? छह सौ रुपये उनको साठ काम के मिले हैं। अगर साठ काम से छह सौ रुपये मिलेंगे तो आप मुझे बताओ एक काम से प्यारे बच्चों उनको क्या दस रुपया मिलेगा क्या आप बोलोगे हाँ सर एक काम से उनको कितना रुपया मिलेगा दस रुपया मिलेगा तो आप मुझे ये बताइए बेटा आप मुझे ये बताइए क्या कह रहा है तो रवि का हिस्सा ज्ञात करिए तो आप सभी बच्चे मुझे ये बताइए रवि ने रवि ने बेटा कितने दिन काम किया है आप बोलोगे सर रवि ने पहले दिन से काम करना शुरू किया तो यह बताओ चार दिन में कितने दिन में बेटे चार दिन में चार दिन में रवि ने कितने दिन काम किया होगा दो दिन चार दिन में बेटा चार दिन में रवि ने कितने दिन काम किया हुआ दो दिन अगर आप पूछोगे सर कैसे आप पूछोगे कैसे आप बोलोगे सर चार दिन के अंदर ऐसे किया होगा पहले दिन आया हुआ रवि दूसरे दिन गुड्डू आ गया होगा तीसरे दिन आया होगा रवि चौथे दिन गुड्डू आ गया होगा और पांचवे दिन रवि आया होगा सर तीन दिन काम किया और मेरे प्यारे बच्चों एक बार मुझे बता दो अगर रवि के तीन दिन का काम अगर मैं आपसे पूछता हूं तो आप सभी बच्चे मुझे मिलके ये बताइए रवि एक दिन में करता है पांच तो तीन दिन में प्यारे बच्चों कितना करेगा पंद्रह तो रवि ने कितना काम किया होगा पंद्रह और सारे बच्चे मुझे ये बताइए बेटा सारे बच्चे मुझे बताइए एक काम के बदले कितना मिल रहा है दस तो आप मुझे बताओ पंद्रह काम के बदले मेरे प्यारे बच्चों कितना मिलेगा डेढ़ सौ रुपए मिलेगा डेढ़ सौ रुपए इस सवाल का आंसर हो गया ये बी ऑप्शन आप सभी बच्चे बताइए मुझे समझ आया है क्या कमलेश कुमार शर्मा सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते बेटा सभी अच्छा पढ़ाते हैं लव यू सर आपको भी बेटा मेरी तरफ से डेढ़ सारा प्यार बेटा जीवन में खूब तरक्की करो खूब आगे बढ़ो आपको भी भाई हमारी तरफ से डेढ़ सारा प्यार किसी भी बच्चे को डाउट है तो आप है ना बस एक एंड डाल दीजिए मैं रिपीट कर दूंगा मेरे भाई किसी भी बच्चे को डाउट है तो आप एंड डाल दीजिए मैं रिपीट कर दूंगा बस आप मुझे यह बता दीजिए क्या आपको अच्छे से समझ आ गया क्या हमने बिल्कुल धीरे धीरे कतई एक एक लाइन को समझते हुए इस सवाल को किया है और जब हम समझ के करते तो हम भाई कभी भी जीवन में मार नहीं खा सकते तो आगे बढ़ते हैं मुझे कोई एन दिखाई नहीं दे रहा मैं अगले सवाल पे जाता हूं बेटा अगला सवाल ये रहा और देखते हैं भाई क्या कह रहा ये सवाल और एक बार राम प्रसाद की शिकायत थी कि सर थोड़ा सा आप सवाल को ठीक कर दीजिए ये लो भाई इतने से ही मेरे ख्याल से अब आपको ठीक दिख जाएगा मैंने इसको इधर कर दिया है अब पढ़िए आइए मेरे साथ सवाल को ये कह रहा प्यारे बच्चों आदित्या डिड ए वर्क फॉर फाइव डेज आदित्या ने बेटा कितने दिन काम किया है पांच दिन काम किया है एंड लेफ्ट उसके बाद है ना काम छोड़ के चला गया आदित्य ने किया पांच दिन काम और उसके बाद काम छोड़ के चला गया द रेस्ट ऑफ द रेस्ट ऑफ द वर्क वॉज कंप्लीटेड बाई गुड्डू इन थर्टीन डेज और जो बाकी काम था वो गुड्डू ने कितने दिनों में पूरा किया है गुड्डू ने कितने दिनों में पूरा किया बेटे तेरह दिन में पूरा किया है ये आपसे कह रहा है आगे बढ़िए भाई इफ आदित्या हैड वर्कड फॉर थ्री डेज अगर आदित्य ने अगर आदित्य ने प्यारे बच्चों तीन दिन काम किया द रेस्ट वर्क देन द रेस्ट वर्क रेस्ट ऑफ द वर्क देन द रेस्ट ऑफ द वर्क वुड इन डेज़ देखिए भाई अगर आप चाहो तो इसको माइंड से भी कर सकते हो लिख के भी कर सकते हो कैसे भी कर सकते की क्या, -क्या गुंजाइश हो सकती थी आप एक बार मेरी बात को। मैंने लिया, आदित्य है ना बेटा एक दिन के अंदर एक काम करता है एक दिन में एक करता है तो सारे बच्चे मुझे बताइए आदित्य पांच दिन में कितना करेगा बोलोगे सर पांच ए करेगा ये आदित्य के पांच दिन का काम आ गया देन द रेस्ट ऑफ द वर्क वॉज कंप्लीटेड बाई गुड्डू इन थर्टीन डेज जो गुड्डू है वो एक दिन के अंदर जी काम कर सकता है गुड्डू एक दिन में जी करेगा तो आप मुझे बताइए दिन में कितना करेगा तेरा जी ये प्यारे बच्चों गुड्डू का आ गया और ये बताओ अगर मैं आदित्य का काम और गुड्डू का काम अगर मैं जोड़ दूं तो हमारे पास क्या आ जाएगा कुल काम आ जाएगा हमारे पास प्यारे बच्चों क्या आ जाएगा कुल काम आ जाएगा अब थोड़ा सा आगे बढ़ लेते भाई आगे बढ़ के आपको ये मिला इफ आदित्य हैड वर्क फॉर थ्री डे अगर आप आदित्य से तीन दिन काम करवाओ तो आप मुझे बताओ आदित्य एक दिन में ए करता है तो तीन दिन में कितना करेगा तीन ए करेगा आगे मुझे ये बताइए बेटा अगर बाकी जो काम है वो गुड्डू ने कितने दिन में निपटा दिया बीस दिन में निपटा दिया गुड्डू एक दिन में जी करता है तो बीस दिन में कितना करेगा बीस जी करेगा और आदित्य और गुड्डू के काम को फिर से अगर आप ऐड करोगे तो आपके पास क्या आएगा कुल काम आएगा ये भी आपका कुल काम है और ये भी आपका कुल काम है अब सारे बच्चे मुझे ये बता दीजिए क्या बताओगे इस तीन ए को इधर लेके आऊंगा तो आप बोलोगे सर दो ए आ गया और इस है ना भाई तेरा जी को मैं उधर लेके जाऊंगा तो हमारे पास है ना प्यारे बच्चों क्या आ गया सात जी आ गया और ए अपोन जी ए अपोन जो जी है वो आपका सात बटे दो के बराबर आ गया यानी आदित्य के एक दिन का काम है सात और गुड्डू के एक दिन का काम है दो मैं समझाना ये चाह रहा हूं जो ये था ना बेटा जो ये था आपका यहां पे आप डायरेक्ट आ सकते थे यहां पे आप डायरेक्ट आ सकते थे अगर आपने टाइम एंड वर्क अच्छे से पढ़ा है क्या क्या कैसे आ सकते थे आप मुझे बताओ शुरुआत में गुड्डू से काम करवा रहे थे सॉरी शुरुआत में आदित्य से काम करवा रहे थे पांच दिन गुड्डू को काम करना पड़ता था, था कितने दिन तेरह दिन और जैसे ही आपने आदित्य के दो दिन कम किए आदित्य को तीन दिन के लिए बुलाया कितने दिन कम किए दो दिन कम किए तो ये बताओ यार गुड्डू पहले तेरह दिन कर रहा था गुड्डू को कितने दिन करना पड़ गया दस दिन सॉरी बीस दिन करना पड़ गया कितना एक्स्ट्रा करना पड़ गया आप बोलोगे सर सात दिन एक्स्ट्रा करना पड़ गया तो प्यारे बच्चों ये बताओ उस गुड्डू ने उन सात दिनों के अंदर कौन सा काम किया है जो आदित्य दो दिन के अंदर छोड़ के गया है तो यहां से हमें वैसे ही समझ आ जाता आदित्य के दो दिन का काम गुड्डू के सात दिन के काम के बराबर होगा आदित्य का मेरे प्यारे बच्चों कितने दिन का काम दो दिन का काम गुड्डू के सात दिन के काम के बराबर होगा ऐसा मैं कह रहा हूं और यहां से मेरे प्यारे बच्चों आप क्या निकाल लेते? निकाल लेते लेते मैंने डिटेल भी आपको समझा दिया टोटल वर्क की आपको कोई आवश्यकता पड़ेगी नहीं क्या कह रहा है देखिए बेटा अच्छा आंसर भी निकाल लिया लोकेश का भाई साहब लोग लाइक शेयर करो अरे हो जाएगा कमलेश भाई तू बस पढ़े भाई सारे अच्छा पढ़ाते बस तू मुझे ध्यान से सुन रहा है इसीलिए आपको मैं अच्छा अच्छा लग रहा हूं सारे पढ़ाते अच्छा बेटा इतने बड़े बड़े कमेंट करने की कोई आवश्यकता नहीं कमलेश जब आपको मेरी क्लास अच्छी लगे तो जब क्लास खत्म होती है ना उसके बाद आपको जो भी लिखना हो आप उस कमेंट बॉक्स में फिर लिख के चले जा करो और वो हमेशा तक मेरे साथ रहेगा तो आप वहां कर दिया करो क्लास में बस वाई और एन में रहा करो बेटा को क्लास में वाई और एन में रहा करो वहां पे आप लिख दिया करो खराब लगे अच्छा लगे जो भी लगे मेरे भाई यहां बस आप पढ़िए कमलेश भाई यहां सिर्फ आप पढ़िए देखिए क्या कह रहा है इफ दे रिसीव फोर मैंने परसों वाले क्लास में खूब अच्छे से एक्सप्लेन किया था मिलके काम करे तो मिलके काम करने का मतलब क्या होता बेटा शुरू से लेके अंत तक सारे साथ रहे तो पैसा किसके अनुपात में बटेगा एफिशिएंसी के अनुपात में बटेगा तो सात और दो टोटल काम कितना हो गया नो no, नो no काम के अगर है ना भाई सात और दो नो नो no काम के कितने मिले पैंतालीस मिले तो नो काम के अगर पैंतालीस सौ मिले तो एक काम के पांच सौ मिलेंगे भाई नो no काम के पैंतालीस मिले तो एक काम के पांच सौ मिलेंगे फाइंड आउट द शेयर ऑफ गुड्डू गुड्डू डू हिस्सा ज्ञात करिए तो गुणा में क्या कर देंगे पांच सो कर देंगे दो गुणा में पांच सो करोगे तो प्यारे बच्चों जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा हजार आ जाएगा और सभी बच्चों ने इसको निकाल दिया था अरे भाई अब ये संजना क्या कह रही है तान्या अमन सर की इंग्लिश की क्लास नहीं ले रही है क्या बैच में अब देखो सारी चीजें इनको अभी पूछनी है अमन सर भी बीजी चल रहे हैं भाई बहुत ज्यादा एक्टिक शेड्यूल है प्यारे बच्चों और कल भी हमारी बात हो रही थी बिल्कुल ओनेस्टली बता रहा हूं कोई एक्सक्यूज नहीं कोई बान्नेबाजी मैं आपके सामने बिल्कुल भी नहीं रख रहा ठीक है आपसे जो कमिटमेंट किया है आपका नुकसान नहीं होना चाहिए हम आपसे बहुत बड़े हैं जो कुछ कर लिया हमने अपने जीवन में प्यारे बच्चों जो कुछ हमने कर लिया लेकिन आपको करना बाकी है आपके टाइम का मतलब आपके जो पूरी लाइफ है उसका बेस्ट समय चला हुआ है और वो किसी भी सुधीर या अमन की वजह से किसी की भी वजह से बस खराब नहीं होना चाहिए लेकिन कई बार है ना बेटा चीजें हमारे कंट्रोल में नहीं होती तो ऐसा नहीं कि हम मतलब जानबूझ के वो कर रहे हैं सर वाकई में मतलब है ना हमारा कल तो पूरे दिन खाना भी नहीं खाया हमने मतलब इतना शेड्यूल था तो ऐसा नहीं कि कल हमने आपके बारे में सोचा ना हो और गले में भी मेरे प्रॉब्लम थी ठीक है आपकी क्लासेस बिल्कुल होगी मंडे से लेंगे और आप घबराना मत अगर जिस दिन क्लास ना हो तो आप पीछे वाला रिवाइज कर लिया करो आप जैसा बोलोगे वैसा होगा जितने टाइम आप बोलोगे उतने टाइम आपको पढ़ाया जाएगा ये नहीं है देखिए यूट्यूब पे आके ना बकवास करना ये करना वो करना मुझे ऐसी चीजें करना बिल्कुल भी ए, अच्छा नहीं लगता बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता स्टूडेंट का टाइम है स्टूडेंट टीचर के पास सिर्फ पढ़ने के लिए आता है आप उसको पढ़ाइए बाकी कोई चीज मतलब और उसको कुछ भी है कॉमेडी देखनी होगी बाकी चीजें देखनी होगी तो इतने अच्छे अच्छे प्लेटफॉर्म है वो वहां पर चला जाएगा तो बस ये हो गया था भाई चलिए अब है ना वापस से एक बार इसके ऊपर आ जाओ क्योंकि आज की क्लास में अच्छे अच्छे सवाल मैंने लिए हैं देखिए बेटा अगला सवाल ये है भाई आपके सामने और आइए पढ़ते हैं भाषा है अच्छी भाषा है पढ़ेंगे सोल हो जाएगा देखिए क्या कह रहे हैं बी प्लस सी टेक्स फिफ्टी परसेंट मोर टाइम देन ए प्लस बी प्लस सी टेक टू कंप्लीट ए वर्क बस यहां तक मैंने पढ़ा है नीला जहां तक मैंने चलाया है ये प्यारे बच्चों क्या कह रहा है जो बी प्लस सी है बी और सी अगर प्यारे बच्चों साथ मिल जाए बी और सी अगर साथ मिल जाए और एक मिनट बाई राम प्रसाद बाई की सर नोटिफिकेशन भी नहीं आ रही है और क्लास भी नहीं हो रही है इसलिए ना बेटा ठीक किया पूछ लिया संजना मैं डीने नहीं कर रहा आपकी बात को ठीक किया आपने पूछ लिया और मैंने भी बता दिया ठीक किया आपने पूछ लिया कोई दिक्कत नहीं है मेरे भाई और अच्छा लगता है भाई मतलब आप है ना मतलब हमें इस टाइप से अगर एक दिन अगर हम लोग क्लास ना ले तो इस टाइप से आप पूछते हो मुझे मुझे वाकई में अच्छा लगता है और हर टीचर को अच्छा लगेगा आप जैसे बच्चे मिल जाए और क्या चाहिए भाई ठीक किया आपने पूछा मेरे भाई अब इधर आ जाओ ये कह रहा है जो बी प्लस सी है वो ए प्लस बी प्लस सी से ए प्लस बी प्लस सी से कितना समय प्यारे बच्चों ज्यादा ले रहे हैं 50 परसेंट समय ज्यादा ले रहे हैं ये 50 परसेंट समय ज्यादा ले रहे हैं तो आप मुझे बताइए अगर ये एक टाइम में काम अगर ये एक दिन में करेगा तो ये कितने दिन में करेगा दो दिन में करेगा ये है ना हमारे पास किसका रेशियो आ गया टाइम का रेशियो आ गया और आप मुझे बताओ सारे बच्चे जो काम अगर सेम है तो टाइम का जो उल्टा होता है वो क्या होता है एफिशिएंसी होती है टाइम का उल्टा बेटा क्या होता है एफिशियंसी अगर एफिशियंसी की कार्य क्षमता की बात करूं तो आप बोलोगे सर इसकी एक हो जाएगी और इसकी क्या हो जाएगी दो हो जाएगी इसकी एक हो जाएगी और इसकी कितना हो जाएगी दो हो जाएगी यहां तक मैंने पढ़ लिया अब आगे पढ़ाता हूं मैं आपको ग्रीन के साथ ध्यान से सुनना इफ ऑल थ्री टेक सेवन फिफ्टी रूपीज टू कंप्लीट द वर्क टूगेदर देखो बेटा यहां तक मैंने पढ़ा यहां तक मैंने पढ़ा है अब सारे बच्चे मुझे बताओ उन्होंने साथ मिलकर काम किया साथ मिलकर काम किया राम प्रसाद सजना और क्या कहते तीनों एक साथ रही मिलकर काम किया इन्होंने तो टाइम तीनों ने क्या लिया होगा बराबर लिया होगा और टाइम अगर बराबर ले तो आप मुझे बताओ साढ़े सात सौ रुपए साढ़े सात सौ रुपए एफिशिएंसी के रेशो में बांटा जाएगा समता के रेशो में बांटा जाएगा जिसकी समता ज्यादा रही होगी उसने ज्यादा काम किया होगा और ज्यादा काम करया, किया होगा तो पैसा भी क्या लेगा ज्यादा लेगा एक सेकंड रुकना भाई लाइट नहीं है एक सेकंड रुकना देखिए बेटा लाइट नहीं है वार्निंग फिर से आ गई यहां पे पता नहीं लाइट की क्या प्रॉब्लम चली हुई है मैंने ये लाइटें बंद कर दी आपकी क्लास है ना थोड़ी सी और चलेगी चलिए एक बार है ना यह, यहां पे आओ मैं आपसे कह रहा था मिलके काम किया है तो मिलके काम किया तो मिलके काम करने का मीनिंग क्या हो गया प्यारे बच्चों समय जो लिया वो क्या लिया बराबर लिया पैसा कैसे बटेगा एफिशिएंसी के रेशियो में बटेगा आगे क्या कह रहा है इफ ऑल थ्री टेक्स सेवन फिफ्टी टू कंप्लीट द वर्क टूगेदर एंड शेयर ऑफ बी इज 200 जो बी का हिस्सा बेटा वो कितना है बोलो भाई 200 है अब आप मुझे बताओ यहीं पे समझा दू ना यहीं पे समझा देता हूं ए प्लस बी प्लस सी ए प्लस बी प्लस सी जो था उन्होंने बेटा कितना लिया है बोलो भाई तीनों ने साढ़े सात सौ रुपए लिया है और आप सभी बच्चे मुझे बताइए साढ़े सात सौ में से बी ने कितना लिया है बी ने लिया है बोलो भाई दो सौ तो आप है ना मुझे एक बार इनका रेशियो बताइए जीरो से जीरो गई और पांच से काटोगे तो आप बोलोगे सर पांच से चला गया पंद्रह पंजे पिचहत्तर और भाई यहां से है ना ये पंद्रह बार ही जाएगा ना या मैंने कुछ गड़बड़ कर दी साढ़े सात सौ रुपए थे बी प्लस सी टेक्स फिफ्टी परसेंट मोर टाइम अरे भाई ये गड़बड़ कर दी दोस्तों ये गड़बड़ कर दी और किसी बच्चे ने मुझे टोका भी नहीं किसी बच्चे ने मुझे टोका भी नहीं फिफ्टी परसेंट मोर टाइम तो 50 परसेंट मोर टाइम का रेशियो एक दो होता है या दो तीन होता है आप बोलोगे दो तीन हो, होता है अगर यहां पे अगर भाई इसने है ना सुनिए मेरी बात अगर इसने 100 दिन लिए तो इसने डेढ़ सौ दिन लिए तो सौ डेढ़ सौ का रेशियो एक दो नहीं होता बेटा क्या होता है तीन दो होता है तो एफिशिएंसी जो हो जाएगी वो दो और कितनी हो जाएगी तीन हो जाएगी एक बार मैं इसको भी चेंज कर लेता हूं भाई वरना फिर आपको दिक्कत आएगी यहां किसी ने मुझे टोका ही नहीं सर 50 परसेंट समय अगर ज्यादा लेगा तो ये दो दिन में कर रहा था तो ये तीन दिन में जो समता है वो दो अनुपात किस में हो जाएगी तीन में हो जाएगी अब बढ़िया आगे मैं सोचूं यार कहा गड़बड़ कर दी और यहां प्यारे बच्चों कितना आ गया जल्दी बताओ यहां आ गया चार तो अब है ना एक बार मुझे ये बताओ ये जो पंद्रह अनुपात चार आया है ध्यान से मेरे शब्दों को सुनना भाई ध्यान से बिल्कुल आप मुझे बताओ इन्होंने मिलके काम किया है इन्होंने मिलके काम किया है और जब मेरे प्यारे बच्चों मिलके काम करे ना तो पैसा किस अनुपात में बढ़ता है एफिशिएंसी के अनुपात में तो आप मुझे बताओ जो इनके पैसे का अनुपात है वही इनकी क्या होगा एफिशिएंसी का अनुपात होगा और आप मुझे बताइए बेटा ये भी इनकी क्या है एफिशिएंसी है ये भी इनकी एफिशियंसी है और ये भी क्या है बोलो बेटा इनकी एफिसियंसी का अनुपात है लेकिन फिर कहेगा एक बच्चा सर देखिए एफिस यहां तो ए प्लस बी प्लस सी की पंद्रह है और यहां कितनी है तीन है तो इसको क्या करना पड़ेगा बराबर करना पड़ेगा भाई आप इसको किससे गुना कर दीजिए पांच से यहां अगर पांच से गुना करोगे तो यहां भी किससे गुना करनी पड़ेगी पांच से यहां भी पांच से गुना कर दी तो ये बताओ यार पूरे ग्रुप की तो कितनी होगी पंद्रह और आप मुझे बताओ बी ये कितनी होगी दस बी और सी की कितनी होगी दस और दस में से दस में से सबसे पहले तो ये देख लेते हैं आगे आपसे पूछा क्या है आगे आपसे पूछा है निकाल ही लेते एक बार निकाल ही लेते यहां पे आप मुझे बताओ जो बी है बी की समता तो कितनी आ गई बोल लो भाई चार अब मैं आपसे बोलूं सी की समता बताना तो आप बोलोगे बी और सी की कितनी थी जल्दी बताओ 10 10 में से चार काम अगर है ना भाई चार काम बी ने किया तो इसने कितना किया होगा छ अगर सारे ही लोग इकट्ठा हो जाए तो 15 काम करते हैं और 15 में से 10 काम बी और सी ने किया तो ए ने प्यारे बच्चों कितना काम किया होगा आप बोलोगे सर पांच काम किया होगा ये हमारे पास इनकी क्या आगी समता आ गई ये हमारे पास इनकी क्या आ गई क्षमता अब आगे पढ़िए आगे मैं आपको पढ़ाता हूं ब्लैक से देखिए क्या कह रहा है इन हाउ बेटा वाली लाइट और बंद करना जितनी लाइटें है ना इस इन्वर्टर के ऊपर सारी बंद कर दे और भी कुछ चल रहा है तो वो भी बंद कर देना हां जी इन हाउ मेनी डेज विल इन हाउ मेनी डेज विल ए प्लस बी प्लस सी कंप्लीट दिस वर्क इफ ए प्लस बी इफ ए प्लस बी टेक्स टेन बाई थ्री डेज मोर देन ए प्लस बी प्लस सी इन हाउ मैनी डेज ठीक है भाई ये आपसे ये कह रहा है देखिए ध्यान से मेरी बात को सुनना ध्यान से मेरी बात को सुनना एक तो ए प्लस बी की बात हो रही है और एक मेरे प्यारे बच्चों तीनों की बात हो रही है एक तो ए प्लस बी की बात हो रही है और एक ए प्लस बी प्लस सी तीनों की बात हो रही है यहां देखिए यहां से सब समझ आएगा एक बार है ना आप मुझे इनकी एफिशिएंसी बता, इन बता दो एक बार आप मुझे इनकी एफिशिएंसी बता दो आप बोलोगे सर अगर ए और बी की बात करें तो ए और बी की कार्य क्षमता तो नो है और आप मुझे बताओ पूरे ग्रुप की बताओ आप बोलोगे सर पूरे ग्रुप की तो पंद्रह है और आप मुझे इनका अनुपात बता दो आप बोलोगे सर अगर इनका अनुपात आपको चाहिए तो इनका अनुपात तो क्या है बोलो भाई तीन अनुपात पांच अगर बेटा एफिशिएंसी का अनुपात तीन अनुपात पांच है तो ये बताइए टाइम का अनुपात समय का, का अनुपात क्या होगा आप बोलोगे सर समय का अनुपात होगा पांच अनुपात तीन बेटे समय का अनुपात कितना होगा पांच अनुपात तीन आप बोलोगे सर अगर ये लोग ए प्लस बी जो है अगर वो पांच दिन में काम पूरा करेंगे यहां अगर ए प्लस बी प्लस सी के साथ अगर c भी आ गया सॉरी ए प्लस बी के साथ अगर c भी आ गया तो काम महज तीन दिन में खत्म हो जाएगा तो आप मुझे बताइए आप सारे बच्चे मिलके मुझे ये बात समझाइए जो ये है जो आपका ये ए प्लस बी है इससे कितने दिन ज्यादा ले रहा है तो आप बोलोगे सर इससे दो दिन ज्यादा ले रहा है इससे कितने दिन ज्यादा ले रहा है बोलो भाई दो दिन ज्यादा का समय ले रहा है और दो दिन ज्यादा का नहीं लेना कितने दिन ज्यादा का लेना जल्दी बताओ भाई दस बटे तीन दिन तो दो का जो वैल्यू है दो का जो वैल्यू है वो कितना है प्यारे बच्चों दस बटा है दो का वैल्यू है दस बटा आप यहां लिखता हूं मैं दो का जो वैल्यू है वो कितना है जल्दी बताओ दस बटा तीन दो अगर दस बटा तीन के बराबर तो आप मुझे बताओ एक आपका किसके बराबर होगा पांच बटा तीन के दो अगर दस बटा तीन है तो एक आपका किसके बराबर होगा पांच बटा तीन के तो आप मुझे बताओ तीन किसके बराबर होगा आप बोलोगे सर पांच बटा तीन के साथ है ना हम क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे तीन से तीन कट जाएगा अंसर जो है बेटा वो कितना आ जाएगा पांच दिन आ जाएगा यही इस सवाल का क्या हो गया आंसर हो गया आपसे ये पूछा था आखिरी वाली लाइन में आखिरी वाली लाइन में आपसे ये पूछा था यदि ए प्लस बी को ए प्लस बी प्लस सी से दस बटे तीन दिन ज्यादा लगते बेटा किसको ज्यादा लगते हैं ए प्लस बी को किस से ए प्लस बी प्लस सी से और आपसे पूछा a प्लस बी प्लस सी इस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा तो आप मुझे बताओ तीन की वैल्यू आपसे पूछी थी बहुत बढ़िया किसी भी बच्चे को डाउट है तो वो एक बार एंड टाइप कर दीजिए भाई रिपीट कर दूंगा अच्छा सवाल था बेहतरीन सवाल था किसी भी बच्चे को डाउट है तो एक बार एंड टाइप कर दीजिए राम प्रसाद कह रहे हैं नाइस क्वेश्चन चलिए भाई राम प्रसाद की बात तो हमें माननी पड़ती है और पिछली क्लास अगर राम प्रसाद भाई आपने देखी हो पता नहीं पिछली में एक दिन आप चले गए थे उसके बाद सारी क्लास आपको मिस कर रही थी अगर राम प्रसाद होता तो इस सवाल में ये कहता वो ये कहता और इस सवाल को भी राम प्रसाद जी ने नाइस बोला है हर सवाल के लिए इनके पास कुछ ना कुछ होता है तो थोड़ा सा क्वेश्चन भाई इधर हो जाइए वरना राम प्रसाद ये भी बोल देंगे कि सर स्क्रीन में पूरा नहीं आ रहा चलिए आगे बढ़ते हैं ये कह रहा है ए प्लस बी कैन डू ए वर्क इन ट्वेल्व डेज ए प्लस बी ने कोई काम बारह दिन में खत्म किया आगे कह रहे हैं, बी प्लस सी कैन डू दिस वर्क इन फिफ्टीन डेज और बी प्लस सी ने प्यारे बच्चों ये काम पंद्रह दिन में खत्म किया नहीं कर सकते। कैन का मतलब हो गया कर सकते ए प्लस बी अगर आप ए प्लस बी को एक साथ लेके आओ तो ए प्लस बी एक साथ इस काम को बारह दिन में पूरा कर सकते हैं अगर आप बी प्लस सी को एक साथ लेके आओ तो बी प्लस सी जो है वो मेरे प्यारे बच्चों पूरा काम कितने दिनों में कर सकते हैं पंद्रह दिन में और उसके बाद अगर आप आगे बढ़ोगे तो सी प्लस ए कैन डू दिस वर्क इन ट्वेंटी डेज तो जो सी प्लस ए को अगर आप लेके आओगे तो ये लोग इस काम को कैसे निपटा डालेंगे मेरे भाई बीस दिन में निपटा डालेंगे तो सबसे पहले तो इनको मना लो ये मानेंगे सारे के सारे किस पे साठ पे साठ इनका एलसीएम हो गया बारह दिन में साठ काम प्रति दिन पांच कम पंद्रह दिन में साठ काम प्रति दिन में चार काम बीस दिन में साठ काम प्रति दिन में कितना काम तीन काम तो पांच चार और क्या आ गया भाई तीन इनकी एफिशिएंसी आ गई अब आगे बढ़िए क्या कह रहा है दे स्टार्ट वर्किंग टुगेदर मैं कलर चेंज कर लेता हूं दे स्टार्ट वर्किंग टूगेदर उन्होंने क्या किया प्यारे बच्चों मिलके काम करना चालू किया दे स्टार्ट वर्किंग टूगेदर उन्होंने मिलके काम करना चालू किया बट बी प्लस सी लेफ्ट द वर्क आफ्टर सिक्स डेज लेकिन छह दिन बाद कौन काम छोड़ के चला गया बी प्लस सी काम छोड़ के चला गया ठीक है भाई एंड द रेस्ट ऑफ द वर्क वॉज कंप्लीटेड बाई ए और जो बाकी काम है वो किसने किया है बेटा ए ने किया है तो फिर आपसे कह रहा है इफ दे रिसीव थ्री थाउजेंड सिक्स हंड्रेड एज टोटल अगर उनको छत्तीस सौ रुपए कुल मजदूरी के लिए मिले हो तो सबसे पहले तो आप मुझे बताओ छत्तीस सौ रुपए किस बात के मिलेंगे आप बोलोगे सर छत्तीस सौ रुपए मिलेंगे साठ काम करने के साठ काम करने का ध्यान से सुनना साठ काम करने का छत्तीस सौ मिलता है तो एक काम करने का कितना पैसा मिलेगा साठ साठ पैसा मिलेगा ऑफ बी भाई बी का हिस्सा ज्ञात करे अब हमें ये देखना है बी ने काम कितने दिन किया है ये देखना प्यारे बच्चों बी ने काम कितने दिन किया है तो सारे बच्चे एक बार मुझे यहां से ये समझाओ भाई ए प्लस जो बी प्लस सी है टाइम एंड वर्क के अंदर मैंने ये सवाल बहुत आपको पढ़ाया है ए प्लस बी प्लस सी है क्या हो जाएगा अगर आप इन सबको जोड़ोगे अगर इन कार्य क्षमताओं को जोड़ोगे तो ये इनके दो दिन का काम आएगा लेकिन हमें एक दिन का काम चाहिए तो हम इसको क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे जो बच्चा आज से जो देख रहा है तो उसको एक बार एड करना जब आप एड करोगे दो बार ए दो बार बी दो बार सी तो ये दो दिन का काम आ जाएगा दो दिन में ए प्लस बी प्लस सी कितना करेंगे पांच और चार नो और नो और तीन कितना हो गया भाई आपका बारह बारह काम होगा बारह दो दिन में होगा तो प्रतिदिन कितना होगा चाहिए बेटा इसमें से बी की तो ये बताओ ए और जो सी है ए और जो सी है वो एक दिन में तीन काम करते तो बी भी बेटा कितना काम करता होगा तीन काम करता होगा भाई ए बी और सी करते हैं छह काम और जो सी और ए है वो करते है, तीन काम तो बाकी का तीन कौन करता होगा? बी करता होगा तो आप सभी बच्चे समझदार है मुझे ये बताइए सभी ने काम किया एक साथ शुरू सभी ने काम किया एक साथ शुरू लेकिन छह दिन बाद कौन छोड़ के चला गया बी और सी चला गया तो ये बताओ Osionfish. बी और सी ने बी और सी ने सी का तो हमें क्या करना बी ने प्यारे बच्चों कितने दिन काम किया छह दिन काम किया और बी एक दिन में कितना काम करता है तीन काम करता है तो आप मुझे बताओ एक दिन में करता तीन तो छह दिन में कितना काम किया होगा बोलोगे सर अठारह काम किया होगा तो एक काम का अगर एक काम का अगर आप साठ रुपया देते हो तो अठारह काम का कितना रुपया दोगे अठारह गुना में साठ करोगे अठारह छिक्का एक सौ आठ एक हजार अस्सी काफी सारे बच्चों का मुझे आंसर दिखाई भी दे रहा था लोकेश का आ गया था एक हजार अस्सी बहुत बढ़िया बताइए भाई आपको समझ आया क्या अच्छा तान्या का सी फिर तान्या का वाई अरे वाह भाई राम प्रसाद को कुछ नया नहीं मिला तो ये लेके आए है सर ऑप्शन सी बहुत बढ़िया भाई राम प्रसाद सभी बच्चों को समझ आ गया अगले सवाल पे चलते हैं इलेक्ट्रिसिटी का बड़ा प्रॉब्लम है हाँ जी ये देखना क्या कह रहा है ये सवाल के अंदर बता तो नहीं क्या क्या दे दिया लेकिन इसके अंदर है कुछ नहीं दोस्तों देखो क्या कह रहा है और प्लीज दो मिनट के लिए फोन नीचे रख दीजिए सिर्फ दो मिनट मांगूंगा दो मिनट से ज्यादा का समय बिल्कुल भी नहीं मांगूंगा ए प्रोग्रेसिव कंपनी एम्प्लॉयड सम एम्प्लॉय सीक्वेंसली भाई एक कोई कंपनी थी यार खाम खाई का पहली लाइन दी हुई है सिंपल सी, सी बात है आपको काम के लिए कंपनी को गोली मारो आपको काम के लिए बंदे चाहिए और आपने काम के लिए बंदे कैसे आयर किए हैं आइए समझते हैं फर्स्ट डे वन एम्प्लॉय सेकेंड डे वन मोर एम्प्लॉय थर्ड डे वन मोर एम्प्लॉय ठीक है भाई एंड सो ऑन सिंपल सी बात है जिस दिन आपने हाँ जी आपने किया क्या है दोस्तों आपने ये किया है पहले दिन पहले दिन आपने एक बंदा बुलाया अगले दिन आपने एक और बढ़ा दिया उससे अगले दिन आपने एक और बढ़ा दिया तो तीसरे दिन तीन चौथे दिन चार पांचवें दिन पांच समझ आ गया होगा पहले दिन एक बंदा काम पे बुलाया दूसरे दिन एक ज्यादा कर दिया तो दूसरे दिन दो तीसरे दिन एक ज्यादा कर दिया तो तीसरे दिन तीन चौथे दिन चार पांचवे दिन पांच आप इस टाइप से काम करो जोन जोनसा दिन उतने लोग काम करेंगे आगे कह रहा है इफ सेंसी ऑफ ईच एम्प्लॉय आर इक्वल प्रत्येक जो प्रत्येक जो मजदूर है उसकी कार्य क्षमता भी क्या है बराबर है आगे बढ़ो भाई एंड द टोटल वर्क इज कंप्लीटेड ऑन ट्वेंटी फोर्थ डे जो पूरा काम है वो कौन से दिन खत्म हुआ है जल्दी बताओ चौबीसवें दिन खत्म हुआ ध्यान से सुनना सिर्फ दो मिनट आपसे मांगिए सुनोगे तो सब समझ आ जाएगा पूरा काम कौन से दिन खत्म हुआ है चौबीसवें दिन खत्म हुआ है तो ये बताओ सारे बच्चे मिलके सबसे पहले मैं बात करता हूं काम की भाई प्रत्येक दिन कितना काम हुआ लिखी देता हूं प्रत्येक प्रत्येक दिन प्रत्येक दिन हालांकि आपको कुछ नहीं लिखना पड़े बस आपके माइंड में सेट हो जाए प्रत्येक दिन कितना काम हुआ तो आप बोलोगे सर पहले दिन सभी की कार्य क्षमता बराबर है पहले दिन एक आदमी था तो एक काम हुआ सर दूसरे दिन दो आदमी थे तो दो काम हुआ तीसरे दिन तीन आदमी थे तो सर तीन काम हुआ और इस टाइप से ये बताओ काम चला है चौबीस दिन तो चौबीसवें दिन कितना काम हुआ होगा चौबीस काम हुआ होगा और अगर मैं बोलूं भाई आप इन सब को ऐड कर दो तो ऐड कर दोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा कुल काम आ जाएगा और ये बताओ बेटा एन नेचुरल नंबर का सम क्या होता है एन इन टू एन प्लस वन डिवाइड बाई टू तो आप बोलोगे जोड़ोगे ना सर चौबीस चौबीस से एक नंबर बड़ा क्या हो गया पच्चीस और भाई डिवाइड बाई क्या हो गया टू ये आपका एन है ये आपका एन प्लस टू है दो से काटा तो बारह बार बारह गुना में कितना आ गया बोल लो भाई ये पच्चीस आ गया बारह गुना में पच्चीस क्या आ गया कई बच्चे अब इतने भूखे रहते हैं वो इसको भी गुना करेंगे भाई एक बचा करो कैलकुलेशन को उंगली करने से बचा करो यहां तक समझ आ गया अब मैं ये कह रहा हूं अब मैं ये कह रहा हूं प्रत्येक आदमी ने ध्यान से सुनना भाई ध्यान से सुनना ये दिन का हिसाब था प्रत्येक आदमी ने प्रत्येक आदमी ने कितना काम किया प्रत्येक आदमी ने कितना काम किया तो बड़ी सिंपल सी बात है भाई जो पहले दिन आया था ध्यान से सुनो जो पहले दिन आया था उसने कितने दिन काम किया चौबीस दिन दूसरे दिन आया था उसने कितने दिन काम किया तेईस दिन भाई उसके बाद है। तीसरे दिन आया था उसने कितने दिन काम किया 21 दिन इस टाइप से चलता जाएगा जो जो चौबीसवें दिन आया था उसने कितने दिन काम किया एक दिन तो आप मुझे बताओ जो अपना पहला आदमी था पहले आदमी ने 24 दिन काम किया है तो एक दिन में एक करेगा तो 24 दिन में कितना करेगा भाई 24 करेगा दूसरे दिन जो आया है उसने तेईस किया होगा उससे अगले दिन जो आया है उसने बाईस दिन काम किया होगा और जो चौबीसवें दिन आया उसने एक दिन काम किया होगा ये वो आदमी है जो पहला आदमी है ये आपका दूसरा आदमी है और ये आपका तीसरा आदमी है ये आपका प्यारे बच्चों कौन सा है ये आपका आदमी है जो आपका दिन आया, तो आपसे ये पूछा है, find the maximum wage of one employee, जो सबसे ज्यादा जो पैसा कमाया वो किसने कमाया तो सारे बच्चे मुझे ये बता दो सबसे ज्यादा तो कौन कमाएगा जो सबसे ज्यादा काम करेगा सबसे ज्यादा काम कौन करेगा जो पहले दिन आएगा और पहले दिन वाले आदमी ने कितना किया चौबीस किया तो सारे बच्चे मुझे बताओ बारह गुणा में पच्चीस काम के ध्यान से सुनना बारह गुणा में पच्चीस काम के कितने पैसे मिलते सात हजार तो एक काम के कितने मिलेंगे एक काम के कितने मिलेंगे भाई बारह गुणा में पच्चीस काम करने के सात हजार मिलते तो एक काम के कितने मिलेंगे बारह गुना में पच्चीस से डिवाइड कर दो और सारे बच्चे ये बताओ मुझे काम करवाना पहले आदमी ने कितना काम किया चौबीस तो चौबीस काम अगर एक काम के इतने मिलते तो चौबीस काम के कितने मिलेंगे गुना में चौबीस कर दिया तोल कर दो एकम बारह बारह दूनी चौबीस और पच्चीस से भाग लगाओ भाई पच्चीस से भाग लगाओगे पच्चीस दूनी पचास बचे कितना बीस और पच्चीस अट्ठा दो सौ दो सौ अस्सी आ गया और दो दो सौ अस्सी आ गया क्या क्या कहीं गड़बड़ तो नहीं कर दी पच्चीस अट्ठा दो सौ और भाई बारह दूनी चौबीस तो दो सौ अस्सी का डबल जो है छप्पन सो कैसे आया है क्या मैं कहीं बीस बचे हाँ जी अट्ठाईस एक जीरो और बचेगी ना एक जीरो और बचेगी या दो सौ अस्सी अरे पच्चीस दो सौ अस्सी पे जाएगा भाई दो सौ अस्सी पे जाएगा ऑप्शन वहां गलत है तो दो सौ अस्सी गुना में दो कर दोगे तो कितना आ जाएगा पांच सौ साठ आ जाएगा तो इसको मैं थोड़ा सा ठीक करवा देता हूं इसको थोड़ा सा ठीक करवा देता हूं ये लीजिए ये आपका एकदम से सही आंसर है तो बताइए भाई आपको समझ आया कि नहीं आया मारुति ने एन डाला मारुति यार क्यों एन डाला तू बता मुझे पहले तो ये बता तूने n एन क्यों डाला ये बता क्या नहीं समझ आया अग्रवाल साहब आपको मारुति भाई आपने क्या किया है पहले दिन एक आदमी को काम पे बुलाया है दूसरे दिन आपने एक और आदमी को काम पे बुला लिया दो आदमी हो गए तीसरे दिन आपने एक और आदमी बुला लिया तीन आदमी हो गए ऐसे आपने काम करवाया है काम आपका मारुति चला है चौबीस दिन तो आप मुझे बताओ ग्रीन पेन वाला नहीं समझ आया अरे मेरे भाई मैंने आपसे यह पूछा है प्रत्येक आदमी ने कितना काम किया तो मारुति ये बता जो तेरे घर पहले दिन आया है जो तेरे घर पहले दिन आया है उसने मुझे यह बता मारुति कितने दिन काम किया चौबीस दिन काम किया कि नहीं किया और जो दूसरे दिन आया था उसने सिर्फ 23 दिन काम किया क्योंकि काम चला है चौबीस दिन जो तीसरे दिन आया था उसने काम कितना किया बा, बाईस दिन काम किया और जो चौबीसवें दिन आया था उसने कितना काम किया एक काम किया अब आपसे ये पूछ रहा था सबसे ज्यादा जो काम है सबसे ज्यादा मजदूरी किसको मिली सबसे ज्यादा मजदूरी उसको मिली मारुति जिसने सबसे ज्यादा काम किया था सबसे ज्यादा समय किसको दिया आपने जो आदमी पहले दिन आया उसने 24 दिन काम किया 24वें दिन जो आदमी आया उसने एक दिन काम किया तो ये आ गया भाई तो एक आदमी जो पहला आदमी था वो एक दिन में एक करता था तो 24 दिन में मारुति कितना करेगा 24 काम करेगा तो जो आदमी पहले दिन आया था उसने 24 दिन में कितना काम किया हुआ 24 काम किया होगा और 12 गुना में 25 काम का अगर इतना पैसा मिलता है तो 24 काम का कितना मिलेगा गुना में आप क्या कर दोगे चौबीस कर दोगे बता भाई अब इसमें क्या समझाऊं तुम्हें मारुति चलिए आगे चलते हैं अगला सवाल ये रहा भाई बिल्कुल आसान सा सवाल है और सवाल कितने बचे हुए भाई क्योंकि इन्वेटर साहब है अरे सवाल तो काफी बचे हुए हैं आइए निपटाते हैं भाई इसको दड़ादड़ दड़ादड़ एम टी एस का पूछा हुआ सवाल है लेकिन बहुत ज्यादा जरूरत से ज्यादा आसान सवाल है ये कह रहा है ए प्लस ए एंड बी हैव टू डू थ्री थर्टीन बाई फिफ्टीन पार्ट ऑफ ए वर्क टूगेदर एंड बी एंड सी हैव टू डू इलेवन बाई ट्वेंटी पार्ट ऑफ द वर्क टूगेदर भाई ये कह रहा है कोई काम है ध्यान से सुनना कोई काम है ये आपका टोटल वर्क है और इस आपके टोटल वर्क का इस आपके टोटल वर्क का जो तेरा बटे पंद्रह जो इस आपके टोटल काम का कितना हिस्सा बेटा तेरह बटे पंद्रह हिस्सा इसका तेरह बटे पंद्रह हिस्सा कौन करता है ए प्लस बी करता है और इस टोटल काम का प्यारे बच्चों कितना हिस्सा ग्यारह बटे बीस हिस्सा ग्यारह बटे बीस हिस्सा इलेवन बाई ट्वेंटी पार्ट ऑफ इस वर्क का वो कौन करता है बी और सी करता है ये लो भाई तो सबसे पहले तो आप कुल काम मान लीजिए और कुल काम दोस्तों ऐसा नंबर मान लीजिए मारुति जो पंद्रह से भी कट जाए और बीस से भी कट जाए पंद्रह और बीस से कटने वाला नंबर क्या आपका साठ होगा क्या आप बोलोगे हाँ सर साठ होगा अब मेरी बात सुनना ध्यान से साठ का तेरह बटे पंद्रह निकालोगे तो आप मुझे बताओ कितना काम टोटल काम था साठ और साठ का तेरह बटे पंद्रह हिस्सा कितना हो गया बावन हो गया और आप मुझे बताओ टोटल काम था साठ साठ का ग्यारह बटे जो बीस हिस्सा है बीस से काटोगे तीन बार और ये कितना हो गया बोलो भाई तैतीस हो गया तो ये बताओ अगर ए और बी भाई राम प्रसाद अब तू तो यार पीछे ही पड़ गया स्पीड इंप्रूव करने का क्या वो है यार बार 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 बार, बार चीजें करिए स्पीड अपने आप इंप्रूव हो जाओगी बताओ भाई अब इसको स्पीड के लिए बताऊं अब ये पूछना चाह रहा है कि सर आप कौन सा चौन खाते हो मेरे भाई चीजों को राम प्रसाद बार बार कर स्पीड अपने आप बनेगी मेरे भाई ये बता बाइक चलानी आती तुम्हें अब टाइम मत कर देना आती है या नहीं आती नहीं आती तो तू सीख लेना ठीक है जब तूने स्टार्ट की होगी जब बाइक स्टार्टिंग में कोई भी सीखता है मैंने तो ऐसे सीखी थी भाई पता नहीं आपने कैसे सीखी थी जब मुझे गियर बदलना होता था तब भी मैं पहले नीचे देखता था कहाँ गया गियर उसके बाद मैं वो करता था जब मुझे ब्रेक लगानी होती थी तो मैं पहले ना ये देखता था ब्रेक कहाँ गया तब मैं ऐसे वो करता था लेकिन जब मैं बार बार चलाता गया चलाता गया आज कभी भी आता ना मुझे गियर की तरफ देखना पड़ता और ना मुझे उसकी तरफ देखना पड़ता और कभी कभी तो मैं आज छोड़ के भी चला लेता हूं मजाक कर रहा हूं भाई मजाक कर रहा हूं लेकिन क्या है वो सारी जो चीजें है वो कैसे होती प्यारे बच्चों सारी चीजें जो है वो समय के साथ अपने आप हो जाती है लड़कियां है खाना बनाती है क्या आपकी मम्मी ने जिन भी लड़कियों को खाना बनाना आता है बहुत सारे लड़कों को भी आता है भाई मुझे नहीं आता आप मुझे बताइए उनका फोन ऐसे कान पे लगा रहेगा और कान पे लगाए लगाए भी वो रोटी भी बेल देगी एक दो सब्जी वगैरह किचन का एक दो काम और भी मैनेज कर लेगी फिर भी उनकी रोटी ना परफेक्ट गोल बनती है क्या उनकी मम्मी ने जब खाना बनाना सिखाया होगा या लड़कों ने जहां से सीखा होगा सिखाने वाले ने ऐसे बताया होगा राम प्रसाद ये कान पे ऐसे फोन लगाना होता है फिर ऐसे देखना होता है इतना प्रेशर अरे मेरे भाई खुद सीखी जाती है वो चीजें जब बार 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 करते हैं तो स्पीड तो अपने आप बन जाती है रामप्रसाद रामप्रसाद आप इशार आइए मैं आपको इसार का बस स्टैंड बताऊंगा इसार में जैसे आप बिल्कुल नए हैं और आपका रूम दिखा दूंगा मैं बोल दूंगा यहां मैं रहता हूं रामप्रसाद और यहाँ आप रहते हैं और आपको इस गली से आना है तो आपको सिर्फ एक ही गली का पता होगा एक ही गति गली का बताओगा और पांच दस दिन आप वहीं उसी एक गली के अंदर से गुजरोगे लेकिन जब है ना पांच दस दिन हो जाएंगे फिर तुम्हें समझ में आएगा अरे भाई एक रास्ता तो यहां से भी जाता है एक रास्ता यहां से भी जाता है फिर आप बोलोगे अरे नहीं नहीं इस रास्ते पे तो ये रहता है एक रास्ता यहां से भी जाता है आप यार ऐसे ऐसे शोर्टकट ढूंढोगे जो मुझे नहीं पता हुआ साला ऐसे ऐसे शॉर्टकट ढूंढोगे जो मुझे नहीं पता होगा तो भाई वो सारी की सारी जो चीजें ना राम बरसाद, वो बार 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 जब आप करते रहोगे अपने आप हो जाएगा भाई ऐसे क्लास में चलते वक्त आज मैंने दो चार बातें क्या कर ली आप है ना फिर लगे लगे पड़े क्लास के अंदर जो भी बच्चा मेरा है भाई वाई और एन के अलावा कुछ भी ना रहे और ये बातें मैं स्पीड वाली पहले भी बता चुका हूं पहले भी बता चुका हूं आप मेहनत करिए भाई आप ये सोचते हैं कि सर कुछ पका पकाया दे ले एक ऐसा पाउडर दे दे कि सर ये बोल दिए तो सुबह आप दूध उसके साथ लस्सी के साथ ले लो और रात वाला दूध के साथ ले लो और दस बारह बार दिन में, में मेरा नाम ले लो और मैथ आपका नहीं भाई पढ़ना पड़ेगा जब पढ़ोगे अपने आप स्पीड इंप्रूव होगी और जो भी बच्चा लगातार क्लासेस देख रहा है ना और वो रिवीजन भी कर रहा है क्लास से देखने से खाली कुछ नहीं हुआ जो बच्चा रिवीजन भी कर रहा है जरूर उसके अंदर इंप्रूवमेंट हो रही होगी यही कहानी है भाई मैंने तो मैथ ऐसे सीखा था, राम प्रसाद अब मुझे नहीं पता आपको कैसे समझ आएगा और ऐसी बातें बेटा बार बार मत किया करो क्लास में वाई और एन लाइट पहले से गई हुई है और ये और समय खराब हो गया ये बताओ भाई साठ काम में से अगर ए और बी तेरा बटे पंद्रह काम करेंगे साठ काम में से ए और बी तेरा बटे पंद्रह काम करेंगे तो साठ में से बावन काम इन्होंने कर दिया और इन्होंने कितना कर दिया बोलो भाई तेतीस काम कर दिया तो प्यारे बच्चों ये बताओ इनको पैसा कितना मिलेगा बावन काम का और इन्हें पैसा कितना मिलेगा तेतीस काम का अगर मैं आपसे बोलूं आप मुझे ये बताइए इनको पैसा कितना सॉरी पैसा नहीं भाई पैसा नहीं अभी काम की बात हो रही है इन्होंने कितना काम एक्स्ट्रा किया तो आप बोलोगे सर इन्होंने 19 काम एक्स्ट्रा किया भाई ये दोनों ये दोनों तो प्यारे बच्चों बावन काम करते हैं और ये दोनों कितना काम करते तैतीस काम करते है तो आप मुझे बताइए ए प्लस बी ने कितना काम एक्स्ट्रा किया उन्नीस काम एक्स्ट्रा किया तो आप मुझे बताओ इनको उन्नीस रुपए क्या मिलेंगे ज्यादा सॉरी उन्नीस काम का पैसा क्या मिलेगा ज्यादा मिलेगा क्योंकि काम फालतू कर रहे हैं तो बेटा पैसा भी फालतू मिलेगा तो आगे आप मुझे बताइए क्या कह रहा है इफ द डिफरेंस बिटवीन द वेजिज ऑफ ए एंड सी इज छतर भाई ए और सी की दूरी का अंतर था छिहत्तर तो आप जरा मुझे ये बताइए जो ये अंतर आया है जो ये अंतर आया है जब आप इन दोनों के काम को घटाओगे तो यहां भी बी है यहां भी बी है बी से बी तो क्या हो जाएगा खत्म हो जाएगा तो ये जो 19 अंतर आया है ये ए की वजह से आया है या बी की वजह से आया है आप मुझे बताइए ये जो अंतर आया है क्या इस अंतर में बी का कोई रोल है आप बोलोगे सर बी का कोई रोल नहीं है जितना काम बी ने यहाँ किया उतना ही काम यहाँ किया तो जो फालतू काम है वो किसने किया ए ने किया यानी यहां से समझ आ गया जो ए है वो सी से उन्नीस काम फालतू करता है तो फालतू करता है तो पैसे भी तो फालतू मिलेंगे भाई उन्नीस की जो वैल्यू है वो कितनी है छंतर सो उन्नीस अगर दोस्तों छंत्रसो के बराबर है उन्नीस छो के बराबर तो एक आपका किसके बराबर होगा चार सौ के बराबर होगा उन्नीस छो के, के बराबर तो एक चार सौ के बराबर होगा तो आप मुझे बताओ आपसे कह रहा देन द टोटल वेजेज ऑफ ए बी सी तो टोटल तो वेजेज तो, 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 तो मेरे प्यारे बच्चों पूरे काम की मिलती तो आप मुझे बताओ एक काम का अगर 400 मिलता है तो 60 काम का कितना मिलता होगा 24000 मिलता होगा यही सवाल का आंसर और बहुत सारे बच्चों का आंसर आ भी गया था इतने रुपए जय भीम रोली सागर बाई जय भीम वाई टाइप करिए मेरे भाई अगर समझ आया है तो ये चौबीस हजार इस सवाल का आंसर हो जाएगा चलिए आगे बढ़ता हूं किसी भी बच्चे को डाउट हो तो एंड डाल देना अगला सवाल ये है देखिए क्या कह रहा सवाल आपसे ए प्लस बी कैन डू ए वर्क इन सिक्स डेज ए और बी मिलकर एक काम को छह दिन में समाप्त कर सकते हैं आगे बढ़ते हैं ए प्लस बी प्लस सी कैन डू द सेम वर्क इन फाइव डेज और ए और बी और जो सी है उसी काम को कितने दिन में निपटा डालते हैं पांच दिन में निपटा डालते हैं एक बार यहां तक का अरेंज कर लीजिए खूबसूरत सवाल है भाई और जो बच्चा मुझे ध्यान से नहीं सुनेगा उसको सौ प्रतिशत दिक्कत आएगी ए प्लस बी किसी काम को छह दिन में कर सकते हैं उसके बाद ए प्लस बी प्लस सी ये बेटे उसी काम को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं पांच दिन में तो आप है ना मुझे बताओ छह और पांच का जो एलसीएम है वो कितना हो गया तीस तो छह दिन में तीस काम तो प्रतिदिन पांच काम और पांच दिन में तीस काम तो प्रतिदिन कितना काम चार काम तो आप मुझे बताइए क्या बताओगे आप मुझे ये बताओ तीनों जो लोग हैं यार चार कैसे कर दिया एक सेकंड मैं भी ना कभी कभी बैक जाता हूं पांच दिन में कितना काम होगा छह काम होगा पांच का तीस होता है अब चलिए ये बताओ ए और जो बी है बेटा वो कितना काम करते पांच काम करते तो आप मुझे बताओ तीनों लोग कितना करते छह काम तो जो सी है वो कितना काम करेगा एक काम करेगा ये हमारे पास एफिशिएंसी आ गई हमारे पास एफिशिएंसी आ गई सर इफ वी वांट टू फाइंड सेपरेट एफिशिएंसी ऑफ ईच वन देन इट इज पॉसिबल और नोट सर जी कौन से में बेटा पीछे वाले में या इस वाले में लाइक एबीसी मारुति पीछे वाले सवाल में या इस वाले सवाल में यह भी बताओ पीछे वाले में तो आप मुझे बताओ एफिशिएंसी कैसे निकालोगे एफिशिएंसी ये आपका ए प्लस बी प्लस सी का काम था और ये आपका ए और बी का काम था और ये बी और सी का था निकल जाएगी एफिशिएंसी इस वाले में कह रहे हो इस वाले में हाँ बिल्कुल निकल जाएगी भाई एक मिनट समय तो सारे सवाल में क्या होगा बराबर होगा हालांकि एफिशिएंसी के बेटा इस सवाल के अंदर कोई जरूरत नहीं है हमें क्यों जाना एफिशिएंसी के ऊपर जरूरत नहीं है निकालोगे तो निकल जाएगी निकालोगे तो निकल जाएगी लेकिन एफिशिएंसी की जरूरत ही नहीं है जो आपका वर्क एंड वेजेस है भाई जो मजदूरी है मजदूरी हमेशा किसके बदले मिलती है काम के बदले में जब बंदे ने सीधा सीधा आपको काम ही दे दिया तो हमें क्यों एफिशिएंसी एफिशिएंसी के चक्कर में पढ़ना मारुति अगर आप किसी को आयर करते हो तो आप बेटा ये बताओ एफिशिएंसी देखते हो या क्या कहते हैं काम देखते हो आप बोलोगे सर काम देखते हो अब पता नहीं आप जैसे ऐसा सोच लो कि भाई हमारे सर तो बहुत अच्छा पढ़ाते लेकिन कल मैंने पढ़ाया ही नहीं पढ़ाते रहो अच्छा ऐसे अच्छे का क्या फायदा अगर काम ही ना किया जाए तो सिंपल सी बात है काम करना पड़ता है और काम करोगे तब मजदूर को पैसा मिलेगा काम करेगा तब क्या मिलेगा पैसा मिलेगा तो इसके अंदर एफिशिएंसी वगैरह की जरूरत ही नहीं क्यों जाना बंदे ने आपको सीधा सीधा काम के बारे में बोला और काम के बदले ही पैसा मिलता है निकालोगे तो निकल जाएगी निकालने को तो पता नहीं क्या क्या आ सकता है लेकिन उस चीज की जरूरत तो नहीं है ना बेटा आप मुझे ये बताइए मारुति उसकी जरूरत नहीं है यहां आओ अब इसके ऊपर आपका एन आ सकता है किसी भी बच्चे का बहुत अच्छा सवाल है ऐसा ऐसा मैंने टाइम एंड वर्क में भी आपको पढ़ाया है और अच्छा सवाल है अगर फोन नीचे रख के ध्यान से मुझे सुनोगे समझ आ जाएगा और इधर उधर अगर आप करोगे तो सौ प्रतिशत आना लाजमी है भाई अभी बता सकता हूं सौ प्रतिशत आएगा आपका अगर जो बच्चा नहीं सुनेगा आगे सुनिए एंड सी टूगेदर टेक्स टू पॉइंट फाइव डेज लेस दे बी एंड सी टूगेदर टेक यहां तक मैंने पढ़ा है अब सवाल आपसे ये कह रहा है एर सी को साथ ले आओ और बी और सी को साथ ले आओ तो जो A और सी है ना ध्यान से सुनना भाई हर चीज गहराई वाली है हर बात गहराई वाली है सवाल में और ऐसा सवाल मैं पहले भी करवा चुका हूं ये जो है ना बेटा इससे ढाई दिन क्या ले रहा कम ले रहा है तो सबसे पहले तो एक बार मुझे ये बता दो आप सारे ही समझदार हैं सारे ही समझदार है क्या यहां पे बी कोई इंपैक्ट डालेगा सॉरी बी नहीं सॉरी भाई क्या सी यहां पे कोई इंपैक्ट डालेगा आप बोलोगे सर सी तो यहां पे कोई इंपैक्ट नहीं डालेगा मैं क्यों नहीं डालेगा आप बोलोगे सर पूरे काम में सी इसके साथ भी और पूरे काम में सी इसके साथ भी है यहां पे भी सी ने काम किया यहां पे भी सी ने काम किया है अगर हम सी की बात करें सी की अगर एक दिन के काम की बात करें तो एक दिन के काम में भाई सी कोई फर्क नहीं डालेगा सी तो क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा और ये बताओ जब सी ए के साथ होता है तब तो काम ढाई दिन पहले खत्म हो जाता है और जब सी बी के साथ होता है तो काम ढाई दिन लेट खत्म होता है तो इसका मतलब क्या है क्या सी ये बात कह सकता है क्या क्या सी ये बात बोल सकता है क्या जो ए है उसकी कार्य क्षमता जो ए है उसकी कार्य क्षमता बी से क्या है ज्यादा है जब मैं सी कह रहा है जब मैं ए के साथ होता हूं तो मुझे कम समय लगता है दिन का। और जब मैं बी <coughs> के साथ होता हूं तो मुझे ढाई दिन ज्यादा का समय लगता तो यहां से हमें समझ आ गया जो ए की क्षमता है वो बी से ज्यादा है भाई कभी भी लाइट जा सकती है मैं पहले बता रहा हूं कभी भी लाइट जा रही जा सकती वार्निंग आ गई है और मैं आपके लिए ये लास्ट लाइट भी बंद कर दे रहा हूं और जल्दी से एक बार इस सवाल को समझ लीजिए कभी भी लाइट जा सकती है हां जी दूसरी बात ये थी आप मुझे बताओ दूसरी बात ये थी प्यारे बच्चों कहा गया ए प्लस बी ए प्लस जो बी है वो मेरे प्यारे बच्चों ये बताओ किसके बराबर है पांच के बराबर ये दो चीजें आपको यहां से पता चल गई अब आपको इटेन ट्रायल करना पड़ेगा हिट एंड ट्रायल करना पड़ेगा हिट एंड ट्रायल हिट एंड ट्रायल से मेरे प्यारे बच्चों क्या करोगे आप मुझे बताओ ए का वैल्यू ज्यादा है और दोनों का वैल्यू क्या है बोल लो भाई पांच है तो ये बताओ पांच को बराबर बराबर बांटोगे तो डाई डाई लेकिन ये तो ज्यादा करना पड़ेगा तो मैंने हिट एंड ट्रायल से इसको तीन ले लिया और इसको कितना ले लिया दो उसके बाद उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों जब मैंने ये लिया तो फिर आपको क्या करना चेक करना है फिर आपको क्या करना चेक करना है तो जल्दी से मुझे ये बताइए क्या चेक करोगे आप टोटल काम कितना है तीस टोटल काम कितना प्यारे बच्चों जल्दी बताओ तीस और ए की समता अगर तीन है तो सी की समता कितनी है एक है भाई ध्यान से सुनना ये मैं निकाल रहा हूं किसका ए प्लस सी का ये मैं निकाल रहा हूं ए प्लस सी का तो टोटल काम कितना है तीस है और तीस काम में से कहा चला गया रे भाई तीस काम है तीन काम प्रतिदिन ए करे तो एक काम कौन करता है सी टोटल काम कितना हो गया चार तो यहां जो दिन लगे बेटा वो कितने लगे आप बोलोगे सर साढ़े सात दिन लगे अब है ना एक बार इसे चेक करो टोटल काम है तीस और टोटल काम तीस अगर बी और सी से करवाया जाए बी प्लस सी से करवाया जाए तो आप बोलोगे सर क्या बोलोगे भाई ए, सी करता है एक दिन में एक काम और बी की क्षमता कितनी मान ली दो तो कितना काम करेंगे तीन काम करेंगे और सोल करोगे तो मेरे प्यारे बच्चों ये कितना आ गया दस आ गया तो बी और सी दस दिन में करते हैं ए और सी साढ़े सात दिन में करते हैं तो आप मुझे बताओ क्या दिन कम लिया क्या आप बोलोगे हाँ सर डाई दिन कम लिया तो इसका मतलब है ना भाई ये जो समताए आपने मानी है ये एकदम से सही मानी है ये जो समताएं आपने मानी है ये एकदम से आपने प्यारे बच्चों सही मानी है तो उसके बाद है ना आप मुझे ये बता दीजिए आपसे पूछा क्या है आपसे पूछा क्या है इफ दे कंप्लीट द इफ दे complete दिस the, वर्क together, उन्होंने ये काम मिलकर किया है अगर काम मिलकर करेंगे अगर काम मिलकर करेंगे तो पैसा कैसे बटेगा एफिशिएंसी के अनुपात में अगर काम मिलकर करेंगे अगर काम मिलके करेंगे तो पैसा कैसे बटेगा बेटा एफिशिएंसी के अनुपात में तो जल्दी से मुझे ये बता दो ए बी और सी कार्य क्षमता जो है क्या गई ए की कितनी आ गई तीन बी की कितनी आ गई दो और आप मुझे बता दो सी की कितनी आ गई मेरे प्यारे बच्चों एक और अगर मैं सभी की बात करूं तो कितना हो गया बोलो भाई छ अगर मैं सभी की बात करूं पूरे ग्रुप की बात करूं तो कितना हो गया छेर छे. से पूछा है इक्कीस सौ छियासठ रुपए में से किसका शेर पूछा है ए का तो ये बताओ अगर पैसा एफिशंसी के अनुपात में बटेगा तो ये बताओ पूरा काम तीनों ने छ किया लेकिन छह में से आधा काम छ में से आधा जो काम है वो किसने किया है बोल लो भाई ए ने किया है ए ने आधा काम किया तो ए आधे पैसे भी लेगा और ये बताओ अगर इसका आधा करोगे तो इसका आधा तो आपका फर्स्ट ऑप्शन आंसर हो जाएगा जल्दी से मुझे ये बता दो समझ आ गया क्या मैं इसको सेव कर लेता हूं भाई वरना कभी भी स्क्रीन ऑफ हो जाएगी और आगे मैं नहीं पढ़ा रहा आगे मैं आपको नहीं पढ़ा रहा स्क्रीन कभी भी ऑफ हो सकती है तो इसको मैं आपके लिए एक बार सेव कर देता हूं बेटा कौन सी क्लास है भाई ये आपकी सत्रह नंबर क्लास है कोई भी कमेंट्स हो अब आप डाल सकते हैं अगर ये समझ नहीं आया तो एंड डाल दीजिए अगर लाइट चली जाए तो दोबारा रिपीट करके देख लेना आपको पक्का समझ आ जाएगा एक बार मैं ये पीडीएफ सेव करके आपके पास भेज देता हूं टाइम एंड वर्क सेवनटीन कुछ भी अगर नहीं समझ आया है तो आप एंड डाल दीजिए कोई एक्स्ट्रा बातें हो तो अब आप कर सकते हो भाई थोड़ी सी देर में हूं आपके साथ तब तक मैं कुछ भी टाइप कर सकते हो तब तक कहा डालना था भाई ये कहा गया आपका ग्रुप जी तो अगर आपका कोई डाउट नहीं है तो मैं फिर यहां से सिस्टम को डाउन कर रहा हूं बस एक बार ये पीडीएफ आपके पास पहुंच जाए तो उम्मीद है भाई आपको मजा आया होगा और अब क्लास के नीचे आपको एक एक कमेंट्स जरूर छोड़ के जाना है भाई जैसे भी आपको क्लास लगे तो थैंक यू सो मच प्यारे बच्चों उम्मीद है आपका मजा आया होगा नेक्स्ट टॉपिक पहले ये तो पूरा कर ले सर मैथ इज स्ट्रोंग बट नोट मच अरे strong strong, कुछ नहीं है भाई ज्यादा मत दो आपको पहले से ही आता है आप ज्यादा मत दो मैथ को अगर आप इतनी इसकी तारीफ करोगे तो प्यारे बच्चे ये सिर पे चढ़ के बैठ जाएगा कुछ नहीं है तुम्हें तो सब आता मारुती इतनी मत खाने दो इसको जब बार बार करोगे चीजें वो बिल्कुल हो जाएगी सो वट कैन आई डू सर जी बस क्लास के अंदर लगातार जुड़े रहो और आपको रिवीजन जरूर करना जब आप बार बार चीजों को रिवाइज करोगे तो आपका सब हो जाएगा ठीक है और राम प्रसाद भाई आपसे मैं ये बोलूंगा प्रेजेंट में जीना सीखो प्रेजेंट में रहो जो आज का दिन है सिर्फ उसको एंजॉय करो ना तो हम कल को बदल सकते हैं और आने वाले कल का आज तक किसी को पता ही नहीं चला कि कल क्या होने वाला है किसने ये सोचा था कि भाई एकदम से देश के अंदर कोरोना भी आ सकता है तो भाई बहुत सारी अनहोनी घटनाएं होती है आगे का हमें बिल्कुल भी पता नहीं होता और पीछे वाली चीजों को हम कभी भी बदल नहीं सकते तो प्रेजेंट में जीना सीखो जो सिचुए आ आए, उसको एंजॉय करना सीखो भाई मारुति बिल्कुल हो जाएगा लगातार रहिए भाई जैसे मैं आपको सिखा रहा हूं ऐसे ही मैंने सीखा था और जब सीखते हैं तो चीजों को समय लगता है ठीक है पेशेंस रखिए तो थैंक यू सो मच भाई उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा तो मैं यहां से स्ट्रीम एंड कर रहा हूं